कर रहे हैं हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे, आर गोज आर रिलेशनशिप में ए बी सी डी, ए बी गोज टू सी, डी गोज टू ई। अब हम ए बी डी, ए बी डी का हम प्राइम एट्रीब्यूट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ए बी डी हमारी क्या है, कैंडिडेट की है, क्योंकि ए और बी कहीं पे भी आर एच एस में नहीं है किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी के, तो ए बी हमारी क्या है, नेसेसरी है, कैंडिडेट की में होनी चाहिए। ए बी डी का क्या बन रहा है, ए बी सी डी ई, तो इसका मतलब क्या है, सी एंड ई क्या है, हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं और ए बी डी तीनों प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम देखते हैं ए बी गोज़ टू सी, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ए बी हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है, नॉन डिटरमाइंस नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट, तो ये क्या हमारा एक पार्शियल डिपेंडेंसी का केस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी गोज़ टू सी, इसको हम एक अलग टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है, और आर टू गोज़ टू डी, आर टू टेबल में हम डी, डी गोज़ टू ई, डी भी हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, डी कैंडिडेट की का पार्ट है तो प्रॉपर सबसेट है, और ई क्या है हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो पार्शियल डिपेंडेंसी। इसके लिए भी हमने एक अलग से टेबल क्रिएट कर ली डी, जिसमें डी गोज़ टू ई एक सेकेंड पार्शियल डिपेंडेंसी है। आर थ्री ए बी डी, इसके लिए हमने एक हमारा जो भी है, फर्स्टली हमने ए बी गोज़ टू सी एक प्रॉपर सबसेट के लिए की, सेकंड हमने सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए, थर्ड हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, वो किसके लिए क्रिएट करेंगे, कैंडिडेट की के लिए। सेम वे हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी, इसकी जो हमारी वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ए गोज़ टू बी, बी गोज़ टू ई एंड सी गोज़ टू डी। ए सी का जब हमने देखा कि ए सी इसकी कैंडिडेट की है, अब फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ए गोज़ टू बी, ए हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है और बी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, इसके लिए एक अलग टेबल बनाएंगे, बी गोज़ टू ई, ये हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि बी कोई कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। सी गोज़ टू डी, ये हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसके लिए एक अलग से टेबल बनाएंगे, हमारी आर वन टेबल होगी ए गोज़ टू बी, आर टू होगी सी गोज़ टू डी, एंड आर थ्री की इसके लिए ए सी कैंडिडेट की के लिए।